फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरला रसोई। आज का हमारा रेसिपी है केरला स्टाइल चिकन बिरयानी। आप वीडियो पूरा देखिए कैसे ये बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए है दालचीनी, इलायची, लौंग, काला मिर्ची, जायफल का एक पीस, साई जीरा और सादा जीरा, लौंग और सौंफ, रेड चिल्ली इतना रखा है। साथ गरम करना है। मैं सारे मसाला एक साथ दिया, ये थोड़ा गरम करने दीजिए। मैं स्टोव ऑन किया, ये सब थोड़ा हल्का गरम हो गया। इसी पे हम देना है दो छोटा चम्मच कसकस। स्टोव ऑफ कीजिए क्योंकि ज्यादा गर्म होके ये मसाला का टेस्ट ही अलग हो जाएगा। दो छोटा चम्मच कसकस दीजिए। स्टोव ऑफ किया, गर्म हो गया, फिर इसको पाउडर बनाना है ऐसे ही। फिर हम ग्रेवी बनाने के लिए पैन रख दिया और उसमें देना दो चम्मच तेल। और मैं इधर ही प्याज, तीन छोटा प्याज काट के रखिए, वो इसमें डाल के थोड़ा फ्राई करना है। ये प्याज थोड़ा गर्म हो जाएगा तभी हम इसका थोड़ा पेस्ट बनाना है। थोड़ा दो तीन पीस अदरक और 10-15 पीस लहसुन और हरी मिर्ची, इसको थोड़ा मिक्सी में पेस्ट बनाना, पानी डाल के नहीं, ऐसे पेस्ट बना लेंगे। प्याज अभी थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसी पे हम ये पेस्ट बना के आया, ये जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, वो भी डाल के इसका भी अच्छा स्मेल जाना है, वो भी इसके साथ फ्राई होना है। ये भी साथ साथ अभी फ्राई हो गया। अभी हम इसमें देना है हल्दी पाउडर एक चम्मच और देना है धनिया पाउडर, वो भी दो डेढ़ चम्मच देना है धनिया पाउडर, वो भी थोड़ा फ्राई होने दीजिए। ये आधा किलो चिकन है, वो इसी टाइम चिकन भी इसमें देना है। फिर इसी टाइम दीजिए एक चम्मच नमक। ये जो हम मसाला पाउडर बनाया वो मसाला का आधा भी इसमें दीजिए और अच्छी तरह मिक्स करके ढक के रखे 5 मिनट ढक कर रखना है, ये थोड़ा पकना है। ये दो टमाटर छोटा करके रखा है, वो भी इसी टाइम देना और 5 मिनट और पकने के लिए ढक कर रखना है। टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गया, इसी टाइम थोड़ा सा धनिया पत्ता और देना है थोड़ा पुदीना। इसी तरह इसका ऊपर हम देना है दो चम्मच घी। घी भी दिया और इसको ढककर रखना। फिर हम इसमें ऐड करना है, ये 4 चम्मच दही है तो दही भी ऐड करना। और हमारा जो चिकन मसाला बनाया उसका आधा मसाला पहले दिया, अभी बाकी आधा मसाला भी इसमें दिया और अच्छे से इसको मिक्स करना। फिर इसको ढककर पकाना है। फिर इसको फ्लेम ज्यादा करके 10 मिनट और पकाना। ये मैं चावल, आज गोविंदभोग चावल लिया है, ये धो के साफ करके रखा है। आपको चाहिए तो बासमती चावल, जो भी आपको पसंद चावल है वो बिरयानी के लिए अच्छा है। अभी आपको प्रेशर कुकर में चावल बनाते तो प्रेशर कुकर में बना लीजिए, आज मैं पतीले में बना रहे। मेरा पानी बॉईल हो गया, पानी में देना है तेज पत्ता और थोड़ा ये थोड़ा मसाले है क्लोव, वो सब दीजिए। एक चम्मच सौंफ दिया और सीटे नमक भी पानी में देना। मैं एक चम्मच नमक दे रहे,
मैंने चावल दिया, अभी ये 5 मिनट में आपका चावल कितना टाइम का है पक जाएगा, मेरा ये 10-15 मिनट में पक जाएंगे। हाँ, हमारा चिकन भी अभी रेडी हो गया, बिल्कुल हम पानी नहीं दिया था, पूरा पानी चिकन से ही आ गया। अभी ग्रेवी भी सही है, अभी अच्छा ये तो नमक चेक करना, अभी मेरा नमक ठीक है, ग्रेवी भी कितना ग्रेवी चाहिए ये भी ठीक है, अभी ये बंद कर सकते, अभी चावल पकने के बाद बाकी। अभी हम पैन में 1 चम्मच तेल दे रहे, आपको चाहिए तो घी भी दे सकते हैं। और ये गार्निशिंग के लिए थोड़ा प्याज में लंबा सा पतला सा काट के रखा है, ये गार्निशिंग के लिए पूरा फ्राई करके लेना है। ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा अच्छी तरह फ्राई करना है। ये हमारा प्याज अभी ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल रहे हैं। तेल में हम फ्राई करना है काजू और किशमिश। काजू और किशमिश फ्राई हो गया, वो भी हम निकाल दिया। हमारा चावल भी अभी रेडी हो गया। ये बिरयानी सेट करने के लिए पहले हम मैं कुकर लिया है, कुकर में 1 चम्मच घी वो अच्छी तरह पूरे चारों तरफ फैला दें। जो हमारा चिकन रेडी हो गया था वो चिकन का आधा पीस, आधा पार्ट ग्रेवी के साथ कुकर में दीजिए। आधा चिकन हम इसमें दिया और इसमें हम देना है चावल जो पकाया, उसी में से हाफ चावल, आधा चावल इसी में दिया। अभी सबसे नीचे चिकन है और आधा चावल दिया, अभी हमारे पास आधा पोर्शन चिकन भी है आधा चावल भी है। अभी इसमें हम देना जो गार्निशिंग के लिए ये ऑनियन फ्राई किया था वो दीजिए थोड़ा, और किशमिश और काजू फ्राई हो गया था वो भी थोड़ा सा दीजिए, धनिया पत्ता, पुदीना, कड़ी पत्ता, और ये है गुलाब जल है, इसी में से भी थोड़ा 1 चम्मच गुलाब जल देना है। और बाकी हमारा चिकन ग्रेवी के साथ पूरा इसका ऊपर देना। अभी हम बाकी चिकन जो था वो भी दिया, अभी हमारे पास आधा और बाकी है वो भी इसके ऊपर से दीजिए। बाकी चावल भी हम दिया, जो बाकी कड़ी पत्ता और पुदीना था वो भी दिया, और ऊपर से देना है थोड़ा सा घी, 1 चम्मच घी दिया। बाकी जो किशमिश, बादाम और जो फ्राई करके रखा है प्याज वो भी दिया। अभी और एक हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है, मैं थोड़ा आधा चम्मच से नीचे हल्दी रखा है, हल्दी में ये हमारा रोज वाटर है वो ऐड करके थोड़ा मिक्स करना, और लास्ट में इसका ऊपर से ऐसे घुमा के डाल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बिरयानी बनाने का तरीका पसंद आ गया होगा, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और रेसिपीज के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। अभी हम देखते हैं इसका बाकी कैसे बनाएं। अभी हम स्टोव ऑन किया और पूरा सिम करके इसको 5 मिनट और ऐसे रहने दीजिए, विसिल भी चाहिए, पूरा क्लोज करके 5 मिनट और रखना, इसके बाद बंद करेंगे, बाद में मैं दिखाएंगे एक ऐसे हमारा बिरयानी रेडी हो गया।
अभी देखिए इससे थोड़ा सा स्टीम आ रहा है, इसके मतलब इसका टाइम हो गया। देखिए स्टीम ऊपर तक आ गया, अभी हमारा बिरयानी रेडी हो गया। देखिए तो अच्छा लग रहा है ना, मैं बाद में सर्व करके दिखाती हूँ। अभी ये हमारा बिरयानी रेडी हो गया। ये केरला का बहुत फेमस रेसिपी है, अभी आपके लिए ये मैं इधर शेयर किया, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।